हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.1 से। क्वेश्चन नंबर 9। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर 13.11। देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये कोई सॉलिड है और यहाँ ये पे सिलेंडर है। इस सिलेंडर के दोनों तरफ से स्कूपिंग आउट करके यानी कि ऐसे बाहर निकाल दिए दो हेमिस्फेयर, यहाँ से भी निकाल के बाहर कर दिया काट के और यहाँ नीचे से भी निकाल कर बाहर कर दिया। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अगर सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और इसका जो बेस है उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो इस आर्टिकल का पूरे का टोटल सरफेस एरिया बताइए कितना होगा। चलिए शुरू करते हैं। फिगर बहुत आसान है, आपको समझ भी आ गई होगी, चलिए एक बार फिगर बनाते हैं। देखिए ये है सिलेंडर, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए बिल्कुल ये ठोस सिलेंडर, मान लीजिए लकड़ी का बना हुआ बिल्कुल ठोस सिलेंडर है, और यहाँ से खोद कर इसमें से एक हेमिस्फेयर निकाल दिया, यहाँ से खोद कर इसमें से दूसरा हेमिस्फेयर निकाल दिया, ये चीज़ें काट कर बाहर फेंक दी। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि किस तरह की ये फिगर बनी होगी। अंदर दोनों तरफ दो गड्ढे बन गए होंगे, गोल गड्ढे, हेमिस्फेरिकल गड्ढे बन गए होंगे। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया यानी कि जहाँ जहाँ पे जगह बची हुई है ना, जहाँ पे आप कलर कर सकते हो, ऐसी जो जगह बची हुई है उसका एरिया निकालना है। पहले इसमें गिवन लिख लेते हैं, इसमें सिलेंडर की जो हाइट दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है और इसमें जो रेडियस है ये है 3.5 सेंटीमीटर। बस दो ही चीज़ें हमें चाहिए। चलिए अब आते हैं एरिया पे। दो फिगर दे रखे हैं इसमें, एक तो है सिलेंडर। अब सिलेंडर का इसके अंदर एरिया कहाँ कहाँ पे लगेगा? देखिए सिलेंडर के तीन फेस होते हैं, ऊपर फेस होता है फ्लैट फेस, नीचे फ्लैट फेस होता है एक सर्कुलर, और बीच में गोल 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 पार्ट होता है इस तरह से। अब इस फिगर के अंदर ना तो ये वाला हिस्सा बचा है क्योंकि यहाँ से काट के फेंक दिया ऊपर से, और ना ये वाला हिस्सा बचा है, तो ये दोनों पार्ट नहीं बचे हैं। पार्ट बचा है इसका सिर्फ साइड साइड का, यहीं पर रंग किया जा सकता है, यहीं पर एरिया बचा है, तो सिलेंडर का सिर्फ इसमें कर्व सरफेस एरिया लगेगा। दूसरी फिगर है इसके अंदर हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर के भी दो फेस होते हैं, एक फेस तो होता है इसका ऊपर वाला, ये फ्लैट वाला फेस, और दूसरा फेस होता है इसका कर्व फेस, ये गोल गोल गोल। अब दो हेमिस्फेयर बने हैं, ऊपर से काट के फेंके गए हैं, तो इसमें हेमिस्फेयर अंदर की तरफ गड्ढा ही तो बना है, ऊपर कुछ फ्लैट थोड़ी बचा है, तो ये वाला पार्ट तो इसमें है ही नहीं, ना तो इसके अंदर है ना इसके अंदर है, तो ये जो दो हेमिस्फेयर बने हैं ना इसमें गड्ढा, इनका भी कर्व सरफेस एरिया ही लगेगा, बस और कुछ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, पहले लैंग्वेज में लिखेंगे क्वेश्चन को। हमें निकालना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो ये लिखेंगे TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लगेगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और ये जो दो हेमिस्फेयर्स हैं इनका भी कर्व सरफेस एरिया ही लगेगा। तो पहले मैं 2 लिख देता हूँ क्योंकि दो हैं, और फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। चलिए इनका फॉर्मूले, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर दो हैं तो पहले 2 लगा दिया मल्टीप्लाई में, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πR2। आर मैंने दोनों जगह पे सेम लिया है, छोटा या बड़ा नहीं लिया है, क्योंकि जो आर है जितना हेमिस्फेयर के लिए है उतना ही सिलेंडर के लिए भी है। अब ये दो टर्म है, इनमें जो चीज़ कॉमन आ सकती है दोनों में से वो हम बाहर ले लेंगे। 2πR मुझे यहाँ भी दिख रहा है और 2πR मुझे यहाँ भी दिख रहा है, दोनों में से 2πR कॉमन आ रहा है, और फर्स्ट टर्म में से बच गया h, और सेकेंड में से बच गया ये 2 बच गया, और इस आर स्क्वायर में से एक आर बच गया। बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 2 का 2 पाई की जगह 22/7 लेंगे, आर 3.5 है तो ये 3.5 ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट, हाइट क्वेश्चन में जो हाइट दे रखी है ये हाइट सिलेंडर की और ये 10 है, प्लस 2 इंटू आर, रेडियस है 3.5, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 3.5 और 7 आपस में कट रहे हैं, 3.5 का डबल 7 होता है, 3.5 और 3.5 दोनों को प्लस करके 7 आता है, तो 3.5 वन ज़र 3.5,
3.5 × 2 = 7, ये कट गया आपस में, यहाँ 2 और 2 पूरा कट गया, 2 × 1 = 2, तो बाहर बाहर तो बचा 22, अंदर पे चलते हैं, ये 10 हो गया प्लस, और 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होता है, नेक्स्ट स्टेप में 22 और 10 और 7 को प्लस किया तो ये बन गए 17, बस फाइनली इनको मल्टीप्लाई करना आपका आंसर, तो 17 को 22 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 17 को 22 से करेंगे तो 17 × 2 = 34 और फिर 34, तो ये 4 आया, ये 7 और ये 3, 374 यूनिट क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर है और हमने एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।